Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story. Class 8 English, Living Dreams. Living Dreams. Now, as you all know, dreams sapne dekho. Now, there is a very important saying, if you dream and you allow yourself to dream, you can do anything. Means, agar aap सपने लेते हैं, अपने आप को सपने लेने देते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं. तो दिस स्टोरी इट इज़ रिटन बाय विनीता रामचंदानी और ये स्टोरी हमारे एक बॉय के बारे में है, दामू. एक बहुत ही इमेजिनेटिव बॉय है, बहुत थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं वो, और वो किस तरह से दुनिया देखता है और किस तरह से दुनिया उसे देखती है, दिस इज ऑल विच इज़ बीन डिड इन टोल्ड इन दिस स्टोरी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. Damu was standing on a stage. Hundreds of students from school were looking up at him adoration. Damu was singing. The knotted rope in his hands was the mic and the dotted float tiles were the audience. In the crowd, Damu could see his father and his uncle. Both were crying, overwhelmed by Damu's talent. Both were regretting the times they had scolded the boy. Damu's golden voice had struck a chord. Now, if you can all see in the picture, अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं तो there is a boy with a mic in the hand and there is audience all sitting there and they are clapping and he is singing. So, यही बता रहे हैं कि दामू एक स्टेज पर खड़ा था और एक स्कूल में था, अपने स्कूल में था, बहुत सारे बच्चे सामने बैठे हुए थे, उसको देख रहे थे adoration में. Adoration means love and respect दे रहे थे उसे, क्योंकि दामू बहुत अच्छा सिंग कर रहा था और उसके हाथ में क्या था, माइक था और जो सामने डॉटेड फ्लोर टाइल्स थी दे वर द ऑडियंस. नाउ इफ यू सी द लाइंस, द नॉटेड रोप इन हिज हैंड्स वाज द माइक एंड द डॉटेड फ्लोर टाइल्स वर द ऑडियंस. इन थ्री लाइंस से आपको ये पता लग जाएगा कि दिस इज अ ड्रीम विच दामू इज सीन. नॉटेड रोप, नॉटेड रोप मीन्स एक रोप थी, नॉट लगी हुई, वो जो उसके हाथ में थी वो लग रहा था जैसे कि वो माइक है और सामने जो फ्लोर टाइल्स थी, डॉट्स वाली फ्लोर टाइल्स थी, वो ऑडियंस थी उसकी. और उसको क्या फील हो रहा था, एक्चुअली में वो सपना देख रहा था, पर सामने उसको क्या लग रहा था, क्राउड में उसके अंकल बैठे हैं, उसके फादर बैठे हैं और दोनों रो रहे हैं. रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा था कि दामू के अंदर कितना टैलेंट है सिंगिंग का और उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो रिग्रेट कर रहे थे. रिग्रेट मतलब कि पहले शायद उन्होंने दामू को बहुत स्कोल्ड किया था, बहुत डांटा था कि अरे क्यों सिंग करते हो तुम, लेकिन आज आज क्या हुआ था, जो दामू की गोल्डन वॉइस थी, इट स्टक अ कॉर्ड. स्टक अ कॉर्ड मतलब सबको उसकी जो आवाज़ थी वो पसंद आ रही थी, उसकी एंथुजियाज्म पर, उसकी टैलेंट पर. एवरीबडी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट दामू इज सिंगिंग. बट ओ माई गॉश, दामू लेफ्ट अ फ्यू इंचेस एज इफ ही हैड बीन शॉट. Leave this boy for a few minutes, and he is off dreaming. I am so fed up with you. Amma told you to tidy the house. Have you done that? It was Smriti Chechi. So, as I told you earlier, ye dream dekh raha tha. Aur, oh my gosh, wo dream dekh raha tha, achanak se kisi ne zor se chillaya, oh my gosh, means, oh my god, kya kar rahe ho tum? Aur ye sunkar jo Damu tha, वो जो बैठा और ड्रीम कर रहा था, वो अचानक से उठा और उसको ऐसे फील हुआ जैसे उसको किसी ने शॉट मार दिया, किसी ने उसको मारा. और फिर कौन बोलता है, उसकी जो बहन थी, सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर, स्मृति चेची. बिकॉज दिस इज़ अ मलयालम स्टोरी, तो मलयालम लैंग्वेज में चेची इज़ अ सिस्टर. तो उसकी एक सिस्टर थी स्मृति चेची, वो क्या बोल रही थी कि इस बॉय को कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो खाली, और वो ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, वो सपने देखना स्टार्ट कर देता है. एंड आई एम सो फेड अप विद यू, मतलब वो बहुत थक चुके हैं उसकी दामू की इस आदत से. अम्मा, अम्मा मीन्स देयर मदर, अगेन अम्मा इज मदर इन मलयालम. तो स्मृति चेची क्या कहती कि मम्मा ने बोला था, मदर ने बोला था कि घर को साफ करना है, क्या तुमने घर को साफ किया है? जस्ट वन ईयर एट हर इन लॉस प्लेस हैड चेंज्ड स्मृति चेची कंप्लीटली. She wanted everything to be spick and span. Even her laughter had changed into an irritating tinkle. The excitement of getting to see his sister after a whole year had quickly soured.
She had been untidier than me, thought Damu bitterly, as he walked off in a huff. So, now, इस पैराग्राफ में वी आर कमिंग टू नो अबाउट कि स्मृति चेची कौन है, कैसे बिहेवियर है उनका. तो दामू क्या बता रहा है, दामू इज एज पर दामू जो स्मृति चेची है, शी इज़ अ मैरिड गर्ल और वो एक साल हो चुका है, शी इज़ बीन लिविंग विद हर इन लॉस. और दामू क्या बता रहा है कि क्योंकि एक साल हुआ है उसको अपने इन लॉस के पास रहते हुए, अपनी बिकॉज शी हैज़ बीन मैरिड, शी इज़ लिविंग इन हर इन लॉस. तो अब उसको ऐसा लगता है उसको हर चीज़ साफ सुथरी चाहिए. स्पिक एंड स्पैन मीन्स स्पॉटलेसली क्लीन. स्मृति चेची को अब सब कुछ साफ चाहिए. अब वो हंसती भी है तो ऐसा लगता है जैसे एक इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही है. और उसको ऐसा लगता था कि एक साल बाद मैं अपनी सिस्टर से मिलूंगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँगा, बड़ा खुश हूँगा. लेकिन अब उनसे मिलने के बाद उसको बड़ा अनप्लेजेंट फील हो रहा था. सैड मीन्स अनप्लेजेंट सा फील हो रहा था क्योंकि वो बड़ी चेंज हो गई थी. और वो ऐसे बिटरली सोच रहा था, बिटरली मतलब उसको गुस्सा आ रहा था कि अरे मेरे को नींद से जगा दिया, मैं इतना अच्छा सपना ले रहा था, मैं तो गाना गा रहा था, मेरी तो इतनी प्रेज हो रही थी और अचानक से मेरी स्मृति चेची नहीं उठाते. तो थोड़ा सा गुस्से में था वो, इरिटेटेड था. तो इसलिए वो हफ हफ मीन्स अनॉयंस, गुस्से के अंदर अनॉयंस के अंदर वो घर से बाहर निकल गए. आउटसाइड द सन ब्लेज्ड ऑन द वाइट सैंड एंड द हीट हिट हिम. दामू वंडर्ड इफ ही शुड टर्न बैक, देन ही डिसाइडेड नॉट टू. दामू फाइंड हिमसेल्फ वॉकिंग टूवर्ड्स अ शो. वॉकिंग अ लिटिल फार्दर ही स्पॉटेड हिज फादर सुधाकरन एंड अंकल अरविंद रिपेयरिंग द नेट्स. ही क्विकली टर्न्ड बैक. नाउ वो घर से बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी. सन ब्लेज मीन्स धूप बहुत ज़्यादा चमक रहा था. और बिकॉज दे वर लिविंग नियर द सी, तो पास में सैंड की पूरी मिट्टी थी, चारों तरफ रेत थी. और नेचुरली व्हेन द सन इट हिट्स द सैंड इट बिकम्स वेरी हॉट. तो उसको हीट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी. तो उसने सोचा कि चलो मैं वापस जाता हूँ. लेकिन तब उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो आगे ही जाऊंगा, शोर की तरफ जाऊंगा. तो वो शोर की तरफ मतलब समुद्र के किनारे की तरफ जाने लगा. लेकिन जैसे थोड़ा सा दूर गया तो उसको कौन नजर आए, उसको अपने फादर नजर आए सुधाकरन, और उसके अंकल थे अरविंद. और वो दोनों नेट्स रिपेयर कर रहे थे. नेट्स रिपेयर कर रहे थे, नेट्स मीन्स फिशिंग नेट्स जिससे फिश कैच करते हैं. बिकॉज दे यूज टू कैच द फिश. तो जैसे ही उसने अपने फादर को और अंकल को देखा वो वापस मुड़ने लगा. क्यों मुड़ने लगा? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी देम. क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि जो दामू है वो भी फिश कैच कर. सो नाउ दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन सुधाकरन जो उसके फादर थे और जो उसके अंकल थे और एक और पर्सन आएंगे, उनके बीच की कन्वर्सेशन है. नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर टॉकिंग. अरविंदम सेड, You had better do something about that boy of yours, or you are going to regret it. You think I haven't tried? You have beaten him too, but it's no use, sighed Sudhakar. Sorry to interrupt, but have you tried talking to him? Came a voice from a nearby boat. It was Naushad, the octogenarian fisherman. Now, वट वॉज अरविंदन सिंह जो उसके अंकल थे वो क्या बोल रहे थे सुधाकरन को, क्या बोल रहे थे कि तुम अपना जो ये बेटा है इसके साथ कुछ कर, नहीं तो आपको बहुत बाद में पछताना पड़े. तो उसके फादर क्या बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं करा, और आपने तो उसको पिटाई भी की थी लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये कुछ सुनता ही नहीं है. तो तब एक नौशाद थे, एक ओल्ड पर्सन थे, ऑक्टोजेनेरियन मींस जिनकी एज 80 या 89 के बीच में थी, अ वेरी ओल्ड पर्सन. वो भी फिशरमैन थे. तो वो आए निकलकर पास की बोट से और उन्होंने बोला कि लेकिन आप उसको मार रहे हैं, आप उसको इस तरह से उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की? वॉट नौशाद वलियाचन. नाउ वलियाचन मीन्स अंकल इन मलयालम. सो दीज आर डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज. सो वो सुधाकरन क्या बोलता है कि क्या नौशाद अंकल, डू यू टेक मी फॉर अ फूल? I don't like beating the boy. I have talked and talked to him. He is always talking to himself. Sometimes when I see him like that, I don't know whether I should laugh or cry, said Sudhakaran wearily. Says he does not want to be a fisherman. Wants to study and become a rocket scientist. A rocket scientist? Everything is like some fantasy land to him.
"There's nothing wrong in studying or wanting to be a rocket scientist," said Naushada Panna. क्या बोलता है सुधाकर कि आपको क्या लगता है नौशाद अंकल कि क्या मैं आपको बुद्धू लगता हूँ, क्या मैं आपको फूल लगता हूँ, क्या मुझे अपने बेटे को मारना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने उससे बहुत बार बात करी है, लेकिन वो तो हमेशा अपने आप से बात करता रहता है, और जब मेरे को उसको देखता हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं हंसूं कि रहूं, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो बोलता है कि मेरे को फिशरमैन तो बनना ही नहीं है, मुझे तो स्टडी करना है और मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है। रॉकेट साइंटिस्ट, वो क्या रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा? उसको तो सब कुछ ऐसे लगता है, सब कुछ इमेजिनरी है, सब कुछ फैंटेसी लैंड है, उसके लिए तो सब कुछ इमेजिनेशन है। तब नौशाद अपन क्या बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर वो रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। दामू वॉज वोकन अप एट 3:30 AM with his eyes still gummed with sleep. He buttoned a shirt and followed his father. There was no point in protesting, no point in pretending to be dead and hoping that they would leave him and go. The family council had decided that they would have to be firm with him to make him responsible. A sample of it was the attempt to teach him his vocation by taking him fishing at the unearthly hours that fishermen are used to. Okay. सो नाउ वॉट हैपन, अब इट वॉज 3:30 AM, मतलब सुबह के 3:30 बज रहे थे, इट वॉज 3:30 AM, और जो दामू थी उसकी आईज अभी भी स्लीपी थी, गम्ड मीन्स उसकी जो आईज थी अभी तक नींद से भरी हुई थी, उसने अपनी शर्ट पहनी और वो फादर के पीछे चला गया। बिकॉज वो कहाँ जा रहे थे? वो फिश पकड़ने जा रहे थे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, द मून इज स्टिल देयर, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, और ये बहुत सारे फिशरमैन अपनी जो बोट है उसको सी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने नेट्स ले रहे हैं। सो वो लोग सुबह सुबह फिश कैच करते हैं। तो आज उन सब ने डिसाइड किया था कि दामू को भी वो अपने साथ लेकर जाएंगे, और दामू ने अब सोच लिया था, अब उसको प्रोटेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं, मतलब उसको अब विरोध करना था, वो नो बोलता था हमेशा, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो कई बार एक्टिंग करता था कि जैसे कि वो मर गया है, जैसे कि वो सो गया है, या कुछ भी इस तरह से करता था सो दैट वो उसको लेकर ना जाए, लेकिन आज पूरी फैमिली काउंसिल में पूरे फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि अब हम उसके साथ स्ट्रिक्टनेस रखेंगे और उसको हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, और इसलिए अब हम उसको जो उसका काम है, वोकेशन मींस जो उसका ट्रेड है, जो हमारा प्रोफेशन है फिश कैचिंग का, वो हम इसको सिखाएंगे, और इसलिए वो इस सुबह अनअर्ली आवर्स, मतलब अनअर्ली मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें सोने का टाइम था, और उस समय उसको उठाकर वो लोग फिश पकड़ने लेकर जा रहे थे। It was pitch dark outside. Pitch dark means it was totally dark outside. But there was a lot of hustle and bustle on the seashore, with boats being dragged and lanterns dancing in the dark as the fisherfolk walked around. The light of the lanterns had set Damu off. The cave was lit by a light that seemed to come from the mountain of coins that were piled up. The coins threw a sharp light of their own that touched the ceiling of the huge cave. Damu discarded his lantern. There was no need for light here. Moreover, he needed both hands to shovel in as much gold as he could into. A sharp poke on his head and he was back on the shore. Now, can you understand from this paragraph ki Damu dobara se dreaming kar raha tha? So what has happened? Ab subah ka time tha, wo usko bahar lekar gaye to bahut dark tha. और बाहर क्या था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी, हसल बसल मींस बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी, नॉइज़ हो रहा था सी शोर पर, क्योंकि जो बोट्स थी उनको ड्रैग करके फिश की तरफ सी की तरफ लेकर जा रहे थे, जो उनके हाथ में लेंटन्स थी, लेंटन्स मतलब ये लालटेन जिनसे रोशनी होती है, वो सबके हाथ में थी, और जैसे ही उसने लेंटन्स देखी, दामू सेट ऑफ मतलब वो अगेन वो ड्रीम में चला गया। और उसने ड्रीम में क्या देखा, उसने ड्रीम में देखा कि एक केव है जिसके जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर लाइट आ रही है। कहाँ से आ रही है लाइट? माउंटेन ऑफ कॉइन्स। वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे, सोने के कॉइन्स पड़े हुए थे, और कॉइन्स के अंदर अपने आप में से ही रोशनी आ रही थी, जिससे कि जो केव की सीलिंग थी वहाँ तक रोशनी आ रही थी। तो दामू डिस्कार्डेड हिज लैंटर्न, डिस्कार्डेड मतलब उसने अपनी जो लैंटर्न थी वो फेंक दी। नाउ इफ़ यू कैन सी दिस इज दामू, और उसके हाथ में लैंटर्न है।
पर क्योंकि वो ड्रीम कर रहा था तो उसने क्या करा, ड्रीम में ही अपनी लैंटर्न को फेंक दिया, क्योंकि उसको लगा अरे केव के अंदर तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉइन से इतनी रोशनी आ रही, और प्लस उसको अपने दोनों हाथ खाली चाहिए थे, किस लिए, ताकि वो ज़मीन पर जो कॉइन्स पड़े हुए थे, जो गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए थे, उनको उठा सके। तो जैसे ही इधर इसने अपनी लैंटर्न फेंकी, तभी किसी ने उसके सिर पर एक हाथ मारा, अशापो, मतलब किसी ने उसके सिर पर हाथ लगाया और वो वापस अपनी रियल दुनिया में आ गया। और किसने क्या बोला, सुधाकर उसके फादर थे, उन्होंने क्या बोला, हेल्प योर फादर पुश द बोट, अपने फादर की हेल्प कर बोट को आगे करने में। दामू वॉज हैप्पी टू सी नौशादअप्पन ऑन द बोट, एनी वन बेटर देन दीज टू बैड टेम्पर्ड मैन, दे रोड फार इन टू द सी। Much to the surprise of Sudhakaran and Arvindan, Damu rode very well. So, अब दामू ने जब नौशादअप्पन को देखा, जो हमने देखा एक ओल्ड मैन थे, जब उसने नौशादअप्पन को देखा तो उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। उसने कहा कि थैंक गॉड, नौशादअप्पन बहुत अच्छे हैं और जो ये दोनों बैड टेम्पर्ड मतलब गुस्से वाले जो दोनों आदमी, कौन, सुधाकरण और अरविंदन, उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने कहा थैंक गॉड एटलीस्ट नौशादअप्पन तो है बोट में। तो उन्होंने अपनी बोट को सी में लेकर गए और एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि जो दामू था वो बोट को बहुत अच्छे से रो कर रहा था। रो मींस इफ़ यू हैड सीन बोट का एक देर इज़ अ ओर, जिसको चप्पू बोलते हैं, उसको एक वुड का बना हुआ होता है जिसको वन पार्ट इज थ्रोन इनटू द सी एंड अदर विद द हैंड यू पुश इट इनटू द सी सो दैट जो आपकी बोट है वो आगे जाती है। तो सबको बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि जो दामू है बहुत अच्छे से बोट को रो कर रहे थे, बहुत अच्छे से बोट को चला रहे थे। लिटल डिड दे रियलाइज दैट दामू वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ स्नेक बोट रेस। ही वॉज नेक टू नेक विद द बोट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू हिम इफ ही वन। नाउ डू यू रियलाइज चिल्ड्रन कि वो फिर से ड्रीम्स में चला गया, और अब की बार क्या ड्रीम ले रहा था वो, अब की बार उसने ड्रीम लिया कि मैं बोट रेस में पार्ट ले रहा हूँ, स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस क्या होती है, एक लंबी सी बोट होती है और उसको बहुत सारे लोग बैठकर रो कर रहे होते हैं और वहाँ पर रेस होती है। तो उसको ऐसा फील हुआ कि मैं भी एक स्नेक बोट रेस का पार्ट हूँ, और वो दूसरी बोट से बहुत पास था, दूसरे एरिया की जो बोट थी वो उसके बहुत पास था, और ऐसा लग रहा था कि बस अब वो जीतने वाला है। एंड इट वॉज जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू हिम। लाइफ एंड डेथ मीन्स कि उसको ऐसा लग रहा था कि बस अगर मैं जीत गया तो मुझे लाइफ मिल गई, और अगर मैं हार गया तो मैं जैसे डेथ हो गई। वो अभी सोच ही रहा था कुछ कि अचानक से क्या हुआ, व्हाट डू यू सी इन द वॉटर, अ क्वेवरिंग वॉइस राउस्ड दामू फ्रॉम हिज रिवियर। रिवियर मीन्स डे ड्रीम एंड क्वेवरिंग मीन्स शेकिंग। तो वो अपने सपने में था, तो उसका जो सपने में से बाहर निकला, कैसे निकला, जब एक कांपती हुई आवाज, एक शेकिंग आवाज ने बोला, व्हाट डू यू सी इन द वॉटर, तुम्हें पानी में क्या नजर आ रहा है। वॉटर, रिप्लाइड दामू। नो, व्हाट डू यू रियली सी, इंसिस्टेड नौशाद। दामू श्रग्ड हिज शोल्डर वेरीली। सो कौन थे वो, नौशादअप्पन। उन्होंने क्या पूछा कि तुमको पानी में क्या दिखता है, तो दामू सेड वॉटर। तो नौशाद ने क्या बोला कि नहीं नहीं आप मुझे बताओ आपको सच्ची में पानी में क्या नजर आता। तो दामू ने अपने शोल्डर्स को ऐसे ही, ऐसे उसको समझ नहीं आया, तो वेरीली वेरीली मतलब हेजिटेंटली या क्वेश्चनिंगली वो खुद से नौशादअप्पन से पूछने लगा कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो नाउ व्हाट डिड द नौशादअप्पन टोल्ड, लेट अस रीड। आई सी डिफरेंट थिंग्स व्हेन आई लुक एट वाटर, सेड द ओल्ड मैन विद अ चकल। चकल मीन्स ऐसे थोड़ा सा हंसते हुए बोला कि मुझे तो अलग अलग चीज़ें नजर आती हैं जब मैं पानी में देखता हूँ। इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर द सन इज पोजिशन। For instance, when it's noon, then I don't see the water. The glitter of the sun on the water seems like gold that I can collect. When I see the water when the sun is about to set, I feel warm. The water has absorbed the sun's heat, robbed the sun of its fierceness, and now its vast body is warm and heavy like sweet honey. So now in this paragraph, jo Nauśādappan the, wo usko samjha rahe hain ki pani mein kaisa nazar aata. बिकॉज एवरी पर्सन सीज द थिंग्स डिफरेंटली। तो उन्होंने क्या बोला कि ये डिपेंड करता है कि सन कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल जब नून टाइम होता है तो मुझे
पानी नहीं नजर आता, नून मतलब जो दोपहर का टाइम होता है अराउंड 12 o'clock का टाइम, मुझे पानी नज़र ही नहीं आता क्योंकि सन इतना तेज़ होता है, जो सन की हीट होती है, जो सन का ग्लिटर होता है, वो वाटर को इस तरह से लगता है जैसे गोल्ड दिख रहा है मुझे, जिसको कि मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। और जब शाम का समय होता है, जब सन सेट होने वाला होता है, तो मैं पानी को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पानी गर्म हो रहा है, बिकॉज पूरे दिन की जो वाटर थी, वाटर ने पूरे दिन की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था, और ऐसा लगता था जैसे उसने सन की सारी फियर्सनेस मतलब हीट की जो हीट है, हीट की जो फियर्सनेस थी, वो सारी उसने रॉब कर ली है, सारी छीन ली है, और अब वो खुद से गर्म है और हैवी लग रहा है जैसे कि स्वीट हनी की तरह। तो ही वॉज डिस्क्राइबिंग कि उसको कैसा वाटर नजर आता था। व्हेन आई लुक एट वाटर आई कैन सी दैट इट्स लिविंग, इंटरप्टेड दम डिलाइटेडली। अब क्योंकि जो नौशादापन थे वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत एक एक्साइटेड होकर, बहुत इमेजिनेटिव वे में उसको समझा रहे थे कि कैसे पानी उनको नज़र आता है, तो अब दामू को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने नौशादापन की आवाज़ को बीच में ही काट कर क्या बोला कि व्हेन आई लुक एट वाटर आई कैन सी दैट इट्स लिविंग, जब मैं पानी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, वो लिविंग है। स्पेशली व्हेन आई सी द वाटर एट डॉन, व्हेन द सन हैज़ not yet dream the colors on her, when the water is transparent you can see fish and dirt and leaves and moonlight। तो अब दामू ने क्या बोला कि सुबह के बाद, dawn means जब अभी सन निकलने ही वाला है, पूरी तरह से सन निकला नहीं है, सन ने जो चारों तरफ है, जो अब सन जब निकलता है तो वो उसकी कलर्स वाटर के ऊपर पड़ते हैं, वाटर में अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, रेनबो कलर्स नजर आते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दामू क्या बोलता है कि जब सुबह सुबह जब सन पूरी तरह से नहीं निकलता है और अपने कलर्स उसने पानी पर नहीं डाले होते, तो मुझे पानी कैसा नज़र आता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, और मुझे उसके अंदर फिश नज़र आती है, थोड़ा सा डर्ट भी नज़र आता है, लीव्स नज़र आते हैं और मूवमेंट नज़र आता है। मूवमेंट क्यों, मूवमेंट किसकी, फिश होंगी उसके अंदर, उसकी मूवमेंट नज़र आती है, डर्ट नज़र आता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा लीव्स पड़े हुए हैं थोड़े से, तो मुझे वो नज़र आता है। नौशाद स्माइल्ड इन डिलाइट एंड सेड इफ़ यू फाइंड वाटर सो ब्यूटिफुल Why don't you like to be a part of it? तो अब नौशादापन को समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो उन्होंने हंसकर क्या बोला कि अगर तुम्हें पानी इतना अच्छा लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो तुम उसका हिस्सा क्यों नहीं बनते, हिस्सा क्यों नहीं बनते हो, मतलब तुम फिशिंग क्यों नहीं करते हो स्टार। आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग द बोट एवरी मॉर्निंग एंड गो फिशिंग, आई हेट इट। तब दामू क्या बोलते कि नहीं नहीं मुझे सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता कि मैं बोट को खींच कर लेकर जाऊँ और नहीं नहीं फिशिंग करूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट इट, आई डोंट लाइक इट। नौशाद वॉज साइलेंट, देन ही सेड डिड यू नो दैट फिश स्लीप विद देयर आईज ओपन। अब थोड़ा सा उन्होंने और इंटरेस्ट लेकर कुछ एक बार बताए कि क्या दामू तुम्हें पता है कि जो फिश हैं वो अपनी आँखें खोल कर सोते हैं। दामूज फेस लिट अप विद अ स्माइल, यस आई डू, दे हैव नो आईलिड्स सो ऑब्वियसली they can't shut their eyes. Did you know that each eye of the fish sees different things? No, I did not know that. So now, अब क्या हुआ, अब दामू भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। जब नौशादापन ने बोला कि आपको पता है कि जो फिश हैं वो आंखें खोल कर सोते, तो अब दामू को पता था इस बारे में, तो उसने बोला हाँ मुझे पता है क्योंकि फिश के पास कोई आईलेट्स नहीं होते, तो इसलिए वो शट ही नहीं कर सकती अपनी आईज। और क्या आपको ये पता है कि जो फिश की हर आँख है, एवरी आई, वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखती है। तो अब नौशाद बोलते कि नहीं नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं था। सो इस तरह से जो नौशाद थी उन्होंने स्लोली स्लोली दामू को अपनी कन्वर्सेशन में लगाया और उसका इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया। व्हेन द बोट रिटर्न सुधाकरण हैड अ वेरी गुड हॉल, नौशाद एंड दामू हैड पुट सुधाकरण एंड अरविंदन ऑन द ओर्स एंड टेकन द नेट्स। जब वापस वो लोग फिशिंग करके आए तो सुधाकरण ने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा हॉल किया, हॉल मतलब बहुत सारी फिश कैच कर ली थी, जो उन्हें पकड़ी थी उनकी, जो आज की फिश कैचिंग की थी जो उनकी, बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा था। तो जो नौशाद और दामू थे उन्होंने तो सुधाकरण और अरविंदम को बोला कि आप लोग तो बोट चलाइए और हम लोग नेट से, मतलब नेट लेते हैं, मतलब हम लोग फिश कैच करते हैं। देयर इज अ होल यूनिवर्स डाउन देयर, नौशाद टोल्ड दामू, डिड यू नो There are more water bodies on earth than land. Can you imagine continents of fish, fish rulers and perhaps different communities of fish? तो अभी वो नौशाद उससे बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जिस तरह से स्काई में यूनिवर्स होता है उसी तरह से
पानी के अंदर भी यूनिवर्स होता है बहुत सारी, और हमें तो ये पता ही है कि अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज ज़्यादा है लैंड के कंपैरिजन में। तो ऐसा लगता है जो फिश हैं, फिश के भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और फिश के भी रूलर्स होते होंगे, किंग्स क्वींस होते होंगे, और फिश की भी डिफरेंट कम्युनिटीज होती होंगी। इफ आई टेक अ फिश फ्रॉम दिस सी, पुट इट इन अ बॉटल एंड टेक इट टू अनदर सी, देन दैट फिश विल बी आइडेंटिफाइड इंस्टेंटली अ फौना। तो क्या बोला उन्होंने कि अगर मैं इस सी से एक फिश लूंगा और उसको उठाकर मैं बॉटल में डालकर दूसरी सी में लेकर जाऊंगा, तो वहां के लोग इस फिश को क्या बोलेंगे कि ये तो फॉरनर है। जस्ट लाइक हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वी आर कॉल्ड फॉरनर्स, तो सिमिलरली अगर फिश को हम एक सी से लेकर दूसरी सी में लेकर जाएंगे या दूसरे कॉन्टिनेंट में लेके जाएंगे तो वो भी फॉरनर हो जाएगी। तो इन दिस वे नौशादअप्पन वॉज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन दम। एज दे टॉक्ड द ओर्समैन लिसन्ड साइलेंटली। Damu's eyes were both alert and dreamy as he talked to Naushad. The words of the old man drew pictures in the eyes of the child, and the two caught fish, plenty of it. So, ये इस तरह की जो वो बातें दामू से कर रहे थे बोट में, इस वजह से जो दामू का इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जो दामू की आईज थे अलर्ट हो गई और ड्रीमी भी हो गई, और जो नौशादअप्पन उसको बता रहे थे वो इमेजिन कर रहा था अपनी माइंड के अंदर, उसकी पिक्चर ड्रॉ कर रहा था, हाँ फिश होंगी, फिश के कॉन्टिनेंट्स होंगे, फिश के रूलर्स होंगे, फिश की डिफरेंट कम्युनिटीज होंगी, पानी गोल्ड भी नज़र आता है, पानी वॉर्म भी नज़र आता है, हनी की तरह भी लगता है। तो इस तरह से सोचते सोचते इमेजिन करते करते नौशाद ने एंड दामू ने बहुत सारी फिश इकट्ठी कर ली। ना अब वापस आकर जब घर आए तो व्हाट हैपेंड, दामूज मदर वॉज अस्टॉनिश्ड व्हेन शी सॉ द अमाउंट ऑफ फिश एट द बेड ऑफ द बोट। आई कॉट देम अम्मा, क्रोड दामू। तो जो दामू की मम्मा थी उनको बड़ा सरप्राइज, वो इतनी सारी बोट जो इनकी बोट थी उसमें इतनी सारी फिश है। तो जो दामू था उसने बहुत प्राउडली, क्रोड मतलब बहुत प्राउडली, और अनॉइंग भी था थोड़ा सा वो, लेकिन प्राउडली ज़्यादा था, तो उसने बोला हाँ मैंने मम्मी ये मैंने कैच करी। Beginner's luck, muttered Arvindan, but he was smiling beneath his mustache. So was Sudhakar. तो Arvindan जो उसके अंकल थे उन्होंने बोला हाँ हाँ beginners जो होते हैं जो starting करते हैं ना उनको lucky रहते हैं, तो उन्होंने catch कर। But actually he was smiling. Sudhakaran और Arvindan बहुत smile कर रहे थे। Smile means क्यों smile कर रहे थे, क्योंकि आज बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें कि जो दामू था उन्होंने उसकी दामू ने उन लोगों की help की और बहुत सारे fish catch। After everybody had gone to sleep, Damu's mother started to do the dishes. Sudhakaran came and silently sat beside her. Scrubbing sand and ash on a big metal pot, he said, "You were right. Your son is all right, and I don't care if he doesn't want to be a fisherman like his acha." Devki smiled in the dark. "Do you remember how we used to fight with our mothers to wash the dishes?" Now, अब जब सब लोग रात को सो गए, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, ये दामू की मदर है और ये दामू के फादर है, मदर इज देवकी एंड फादर इज सुधाकर। तो वो लोग अपने पूरे दिन के जो यूटेंसिल्स थे वो लोग क्लीन कर रहे थे पॉट्स वगैरह, एंड देवर टॉकिंग ऑल्सो। तो सुधाकरन ने क्या कहा, सुधाकरन ने कहा कि हाँ यू वर राइट, जो आपका बेटा है वो सही है, मीन्स दामू सही है। हम तो सोचते थे कि दामू को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सुनता नहीं है, लेकिन दामू सही है बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे फादर की तरह लाइक हिज अचन, अचन मतलब फादर, कि जैसे मैं फिशरमैन हूँ, अगर वो मेरी तरह फिशरमैन नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, उसको बनने दो जो वो बनना चाहता है, क्योंकि उन्हें उसकी बातें सुनी थी तो उसको लगा कि हाँ वो इमेजिन अच्छा कर रहा है, वो सोचता अच्छा है, डिफरेंट सोचता है, तो कोई बात नहीं, उसको अगर रॉकेट साइंटिस्ट बनना है तो लेट हिम बी अ रॉकेट साइंटिस्ट होंगे। सो देवकी हंसने लगी, और फिर देवकी ने क्या बोला, Do you remember how we used to fight with our mothers to wash the dishes? क्या आपको याद है कि जब हम लोग छोटे थे हम लोग अपनी मदर से ये जो dishes wash कर रहे हैं, जो हम utensils wash कर रहे हैं, इसके लिए हम कितना लड़ा करते थे? Devki smiled at the memory. We fought to sweep the floor to mend the nets. Yes, we were silly, said Dev. So Sudhakaran और Devki बात कर रहे हैं कि कैसे बचपन में हम अपनी मम्मा से लड़ते थे to sweep the floor or to mend the nets. तो देवकी ने क्या कहा, हाँ यस वी वर सिली, हम छोटे बच्चे थे हमें कुछ समझ ही नहीं थी। नाउ व्हाट डिड सुधाकरन से, नो वी वर नॉट सिली, नहीं हम सिली नहीं थे,
वी डिड नॉट सी द वर्क एज द वर्क, हम उसको काम की तरह नहीं देखते थे क्योंकि हम इसको इंजॉय करते थे, नेट्स को ठीक करना या फ्लोर क्लीन करना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, हम उसको काम नहीं देखते थे, हम उसको इंटरेस्ट देखते थे. वी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद वाटर, यैंकिंग एट द हैंड पंप वॉज सच फन, वॉचिंग द वाटर गश आउट फ्रॉम द टैप वॉज फन, स्क्रबिंग मेटल वॉज फन एंड सीइंग इट शाइन वॉज फन. उसने क्या बोला कि हम इसको बर्तन धोना नहीं, हम इसको नेट्स मेंट करना नहीं समझते थे, हम इसको समझते थे कि हम इसको पानी के साथ हम कितना खेल रहे हैं. जब हैंडपम्प से पानी लेते थे या जो पानी टैप में से निकलता था उसको देखकर हमें कितनी खुशी होती थी, या जो हम मेटल को स्क्रब करते थे और वो शाइन करता था तो हमें बड़ा अच्छा फील होता था बिकॉज वी वर इन्जॉइंग इट. तो बिकॉज वी वर किड्स हम इमेजिन करते थे एंड वी यूज टू डू द थिंग्स विच एक्साइटेड अस. तो दामू भी अब वही काम कर रहा है. देवकी वॉज लिसनिंग. टुडे एन ओल्ड मैन टॉट मी फ्यू लेसन्स. आई रियलाइज दैट आई टू वॉज लाइक दामू वंस. आई हैड अ विविड इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग वॉज फन ओनली इफ आई सॉ इट माई वे. समवेयर डाउन द लाइन वी ग्रू अप एंड फॉरगॉट टू बी अमेज्ड बाय सिंपल थिंग्स लाइक वाटर एंड सन, ड्यू ड्रॉप्स और अ मैच स्टिक. देवकी एंड सुधाकरन वॉश द डिशेज इन साइलेंस. आई थिंक हिल मेक अ गुड फिशरमैन, सेड सुधाकर. सो सुधाकरन ने क्या कहा कि आज एक ओल्ड आदमी ने, ओल्ड कौन, नौशाद अप्पन ने मुझे एक लेसन सिखाया और मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो मैं भी दामू की तरह था, मुझे भी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस होती थी, विविड मीन्स मेनी इमेजिनेशंस होती थी और हर चीज़ को मैं अपने एंगल से देखता था, किस तरह से उसमें मज़ा आता था, मैं अपनी तरह से देखता था. तो आज दामू भी वही कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं कि छोटी चीज़ों के अंदर भी फन होता है. वाटर को देखकर, सन को देखकर, ड्यू ड्रॉप्स को देखकर, एक मैच स्टिक को देखकर भी बहुत फन हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है. बट वी हैव स्टॉप डूइंग इट क्योंकि हम बड़े हो गए. सो जो दामू करना चाहता है लेट इट बी. तो उसके बाद दोनों डिशेज वॉश करने लगे क्योंकि वो मेंटली सोचने लगे. और फिर लास्ट में सुधाकरन क्या बोलते हैं कि आई थिंक हिल मेक अ गुड फिशरमैन, कि हाँ शायद वो बड़ा होकर बहुत अच्छा फिशरमैन बने. So I hope you have understood the story. It is just a dream. It is from the point of view of the boy. कि कैसे छोटे बच्चे imagine करते हैं और things को अपनी तरह से देखते हैं. And I think हम सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए और ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम सब things को differently देखते हैं. Different people they see the things in a different way. Okay? So, because everyone is different. So we must respect each other. So children, just like the story, share it and subscribe to the channel for more videos. And if you like it, just like it. Okay.